हम अभी रुड़की क्षेत्र में हैं। रुड़की से आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार गुलबहार जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया है, किस तरह की तैयारियां हैं इनकी। गुलबहार जी, पहले तो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत। पत्रकार को उन लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। चुनाव शुरू हो चुका है, किस तरह की तैयारी है? हमारी जमीनी तैयारी, हमारे मुद्दे ज्यादातर सबसे पहला मुद्दा हमारा एकता मिशन, देश में जातिवाद फैलना उसे खत्म करना, शिक्षा, जल भराव की वो बहुत ज्यादा और स्वास्थ्य का मामला भी बहुत गंभीर है। यहाँ से 2002 में बीजेपी के सुरेश चंद्र जैन जी विधायक बने, फिर 2007 में बीजेपी के विधायक बने, 2012 में कांग्रेस के विधायक बने, लेकिन वो कांग्रेस जल्दी ही छोड़कर बीजेपी में चले गए। अभी 2017 में फिर बीजेपी के विधायक प्रदीप बत्रा जी यहाँ से 20 साल में 17 साल बीजेपी के विधायक रहे हैं। क्या काम करा पाए हो यहाँ पे, क्या यहाँ की जनता उससे संतुष्ट हुई? बीजेपी का मसला तो ये रहा कि ये जब से रुड़की के स्थापना हुई तब तक बीजेपी के ही अंडर में है, और इस बार आप देख भी रहे होंगे कि बीजेपी का भी इस तरह तो इकट्ठा हो ही गया। यहाँ से तो वही है। आप चुनाव में जा रहे हैं, किस तरह का सहयोग मिल रहा है लोगों का? संपूर्ण समाज का सहयोग, पूरे समाज का, हर तरह का, हर समाज का, हर जाति का पूरा सहयोग। किससे मुख्य मुकाबला मान रहे हैं आप? हमारा मुकाबला किसी से आए फाइट में नहीं, कोई आया हमारे सामने कोई भी फाइट नहीं है, क्योंकि हमारा जो मिशन है, हमारा जो काम है, इन लोगों के झूठे वादे थे वो कोई नहीं। बीजेपी आजाद समाज पार्टी जो है कहीं ना कहीं बसपा की बी टीम के ग्रुप में काम कर रही है, क्योंकि दलित वोट जो है वो आजाद समाज पार्टी और बसपा का काम माना जाता है। भगवानपुर में आजाद समाज पार्टी ने कैंडिडेट क्यों नहीं करा? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बताऊंगे, कितने कैंडिडेट में उतारे, कब उतारे, कहाँ कहाँ उतारे, बता सकता हूँ। रोड की विधानसभा उनकी विधानसभा में बसपा का कैंडिडेट है, अब तक तो क्या बसपा उतरेगी या कुछ गठबंधन हो चुका है? नहीं, हमारा गठबंधन के मामले में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बताएंगे, लेकिन हम अपनी स्थिति देखकर जितनी स्ट्रॉन्ग स्थिति हमारी है, हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग मानते हैं और पार्टियां कैंडिडेट उतारने को अभी सोच रही। लोगों का कहना है, जहाँ तक लोगों से बात हो रही है, कि गुलबहार जी को चुनाव का कोई अनुभव नहीं है, वो एक व्यापारी हैं और चुनाव आज तक नहीं लड़ पाए, तो चुनाव में बहुत तैयारियां करनी पड़ती है, आपका अनुभव नहीं है, तो इस पे क्या कहना? पहली बात तो मैं किसान का बेटा हूँ, कोई व्यापार मेरा इतना लंबा छोड़ा व्यापार नहीं है, और चुनाव अनुभव की जरूरत ही नहीं है, सच्चाई की। सच्चाई पर जो आदमी काम कर रहा है उसका अनुभव क्या चल रहा है, उसे तो सच्चाई के रास्ते पर चलना, उसका अनुभव तो है ही, कुछ ना होना भी ना चाहिए, सच्चाई चलने के बाद मंजिल है। क्या इस बार गुलबहार जी रुड़की के विधायक होंगे? आजाद समाज पार्टी उत्तराखंड में अपना परचम लहराएगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के रुड़की के प्रत्याशी गुलबहार जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जनता मेरे साथ है और आजाद समाज पार्टी रुड़की में क्या उत्तराखंड में अपना परचम लहराने जा रही है। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।